भाजपा नगर सेविका जया सतनाम सिंह तिवाना और भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के द्वारा लिबर्टी गार्डन का जीर्णोद्धार करने का भूमि पूजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि रहे गोपाल शेट्टी, मुंबई भाजपा महासचिव संजय उपाध्याय, मुंबई सचिव विनोद शेलार, जिला अध्यक्ष गणेश खनकर, जिला कोषाध्यक्ष गंगाराम जमनानी, ब्रह्म कुमारी बहन नीरजा सोनी, मंडलाध्यक्ष सुनील कोहली, राहुल सिंह, अरविंद यादव आदि स्थानीय नागरिक उपस्थित थे बड़ी संख्या में। देखिए मलाड का आज वार्ड क्रमांक 47 लिबर्टी गार्डन, इसका नूतनीकरण आने वाले दिनों में होने वाला है। हमारे पार्टी की नगर सेविका जया बहन तिवाना, तेजिंदर तिवाना, सतनाम तिवाना, इन सारे लोगों ने प्रयत्न करते हुए मंगल प्रभात भोला जी जो हमारे पायलट मंत्री है उन्होंने इसको बड़े पैमाने पर निधि दिया और जिसका भूमि पूजन हमने आज यहाँ पर किया। हम आने वाले कम समय में इसको पूर्ण रूप से विकसित करके लोकार्पण करेंगे। यहाँ पर जो जूना डोम है उसको रिपेयरिंग करेंगे, नया डोम भी बनाएंगे जो नए कायदे में अभी निकाल दिया गया है। मुंबई शहर के लोगों के जानकारी के लिए मेरे पार्टी के उन दिनों के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई शहर में जो स्लम विकसित हुए हैं वो बहुत सारे स्लम गार्डन प्लेग्राउंड के प्लॉट में भी झोपड़पट्टियाँ बन गई है। अब वो गार्डन प्लेग्राउंड के लिए रिजर्वेशन है इसलिए वहाँ पर बिल्डिंग का परमिशन मिलता नहीं, तो कोर्ट ने कहा कि आप नियम में बदली कर दो। तो नियम में बदली ये कर दिया कि 30% जगह पे 70% का बाकी FSI यूज़ करके वहाँ पर बिल्डिंग बनाओ और बाकी 70% जगह बच्चों को खेलने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट महापालिका को दे दो। ये अच्छा कानून है, लेकिन जब कायदा में बदलाव हुआ तब हमारे ऑफिसर लोगों ने इस बात का ध्यान न रखा और बाकी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। जो 91 के DP में 10% खेल कूद के लिए FSI यूज़ करने का और 10% क्लिप में 15% FSI, जिसमें विपासना सेंटर बनता था, व्यायामशाला बनता था, डोम बनते थे लोगों को बैठने के लिए, वो सारा रद्द कर दिया। जब मुझे पता चला तो मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, एक आने वाले 15-20 दिन में वो कायदे में फिर एक बार जूना कायदे में वो आ जाएगा। तो जो जूने डोम है उसको भी हम रिपेयरिंग करेंगे और आवश्यकता के अनुसार एक नया डोम भी बनाएंगे और एक डोम हम बनाएंगे ये जो हमारा शंकर भगवान का जो पिंड है उसके ऊपर हम फर्स्ट क्लास छतरा देकर एक 50-60 लोग बैठे, इस प्रकार की भी हम व्यवस्था आने वाले दिनों में करेंगे। अब जो बुद्धिमान लोग मेरे आवाज़ सुनते होंगे वो कहेंगे कि कायदे में नहीं है, भारत सनातन धर्म को मानने वाला देश है, 80% लोग सनातन धर्म को मानते हैं और 90% से ज़्यादा लोग सम्मान करते हैं। जो 10-20% लोग हैं वो मानते नहीं हैं लेकिन उसमें 10% लोग सम्मान करते हैं, यानी 90% लोग जो धर्म को धर्म का सम्मान करते हैं वो धर्म के लोगों की जो जो आवश्यकता है वो कायदे में है तो कायदे के हिसाब से करेंगे, कायदे में अगर नहीं है तो कायदे में बदलाव करके भी करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्मियों की जो भी आशा और अपेक्षा है उसको परिपूर्ण करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, गार्डन का नवीनीकरण हुआ है आपके हाथों, क्या कुछ कहना? मलाड का लैंडमार्क लिबर्टी गार्डन जल्द ही नए रूप में लोगों के सामने होगा, इस बात की मलाड वासियों में खुशी है। मैं जया जवाना जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस गार्डन के नवीनीकरण का संकल्प लिया और ये गार्डन मलाड की पहचान बने, ऐसी शुभकामनाएं। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं जब जीत के आई 2017 से तभी से मैं ये प्रोजेक्ट के पीछे पड़ी थी, बार बार हमने तभी गोसाई थे या DMC थे आचरेकर साहब, आचरेकर साहब में या उजाली तालाब का बाजू में जो पार्टनर थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में थे कि अच्छे बने, उस तो काम अच्छा करे कि फ्यूचर में अपने को अच्छा। लेकिन 2017 से लेके 21 तक जो अपना कार्यकाल पूरा होने तक अपने को फंड से 1 रुपया भी नहीं है गार्डन के लिए नहीं दिया। अभी हमने रोज़ हमारा मीटिंग, हमारा अभी जो DMC साहब थे उसके बाद में दूसरे बदली हो गए, जो उनसे भी मैंने जाके मिले, बार बार मीटिंग किया पी नॉर्थ में अलग अलग, उसके बावजूद भी फंड नहीं करके मैं आवाज़ भी उठाया था हाउस में, मेरे जो कमेटी है सापत है उसमें भी, उसके बावजूद वो लोग ने फंड नहीं करके एक ईयर अभी फंड आया 2022 में फंड आने के, डॉक्टर अभी जो सिरसागर पहले थे उसके बाद में अभी गांधी साहब आए हुए DMC, तो मैंने उनको बोल दिया DMC साहब को कि भाई देखो ये हमारी मेहनत है, ये हमारा सब कुछ, हमने इतना सालों से हमारे पास पेपर, हमने सब पूरा जो ये है मिनिट्स कॉपी वो सब हमारे पास पड़े हुए, तो यहाँ जो बनाएंगे आप क्या बना रहे मुझे पहला देखो कि पहला हमारा जो भी हम प्रेजेंट है
तभी आरटीडी के साथ में हम पूरा घूम लेती थी, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसा करना है। तो आरटीडी के बाद में अभी मेरे को थोड़ा डाउट था कि ये बदली करेगा कि क्या, तो कुछ ज्यादा था ये नहीं है कि यहाँ 4 फुट पानी भरता था। और वो जो उधर देखो आपको वो पीछे वाले ना कि ओपन जिम लगाया हुआ है, लेकिन चढ़ने के लिए कोई पावड़ी नहीं। तो मैं जब भी कहीं आया आता था ना, महिला मुझे सीनियर सीनियर बोलते थे मैडम मुझे चढ़ने के लिए कुछ ऊपर नहीं है। वो भी मेरा कंप्लेंट था ऊपर। और मुझे आज बड़ा खुशी है कि आज हमारे बड़े नेते मतलब गार्डन के कार्य सम्राट जो गोपाल शेट्टी साहब, वो हमारे मदद हमेशा ही करते। उनको कुछ बोलेगा कि हमारा जो काम का अटक रहा है, आउट ऑफ वे जाके उनका एक स्वभाव है मुझे इतना पसंद है ना कि आउट ऑफ वे जाके काम करते। कल निर्जा बहन और दोनों जन मेरे पास आए थे ऑफिस के नीचे मेरे घर के, और उसने मुझे बहुत सारा बोला कि मैडम क्या होने वाला है, हमको मिलेगा कि नहीं ये हमारा इतना सालों से। तो मतलब मैं मैडम को एक ही बोला दीदी को कि आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हिंदू है, हिंदू के लिए हमारा जान भी जाएगी तो हम देने के लिए आज भी तैयार है, लेकिन वो सारे चीज़ें आपको मिलेंगे जो आप उससे ज़्यादा मिलेंगे। और गोपाल शेट्टी साहब से मुझे पूरा उनका भरोसा है, इतना मांगे तो इतना दे देंगे। तो मैंने कल ही उनको बोला था कि आपको बहुत सारा ये जो आप मांग रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा मिलेगा, प्लस अभी तो 6 एकड़ मिला हुआ है उससे भी आप मांगो, एक बड़ा वाला आपको कुछ चाहिए ना तो वहाँ भी साफ करके। और साहब का मुझे ये पूरा भरोसा है, साहब हमेशा ही हमारा कोई काम में रुकावट आती तो साहब जाके हमारा मीटिंग लगाते, कम्प्लीटली करते, मेहनती। और उनका कार्य सम्राट यूं ही नाम नहीं दिया गया उनको, बहुत ही मतलब जो काम सोचा नहीं वो करके निकल गया। मम्मी से 2 कदम आगे निकल गया हुआ है, उसका बात करने का तरीका, उसका अपना कैपेसिटी के जो बीच है, दूसरा आज वो मम्मी को भी थोड़ा ज्ञान देता है तो चलता है। जब भी बच्चे बड़े हो जाते हैं ज्ञान देने जैसा है तो मम्मी ने भी लेना चाहिए, ये प्योर वाली मैं लेडी हूँ तो मुझे उससे कोई बुरा नहीं लगता है कि मेरे बेटे ने मुझे ज्ञान दे रहे हैं, उसको मेरे से ज़्यादा समझ है, ज़्यादा है तो उसे दिया तो हमको समझाने समझे चाहिए।